और आप लोग को मैं दिखा दूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। सो होप सो आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या बन रहा है। सो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। वेरी गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम टू हर्षित, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करते सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी को पता है कि आज संडे है और संडे हमेशा फंडे मस्तीदार दिन होता है। सो आज मैंने कुछ सोचा है, सो देखते हैं हो पाएगा तो आप लोग को भी दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अभी बन रहा है नाश्ता, तो आप लोग को लेके चलते हैं किचन में कि नाश्ते में आज मम्मी क्या बना रही है। चलो सो फैमिली, यहाँ देखो चटनी हो चुकी है हमारी रेडी, क्या यम्मीज लग रही है, यम्मीज। और यहाँ पर हमारे पकवान भी हो चुके हैं रेडी, और यहाँ पर मेरी रोटी वोटी बना रही है, रोटी भी हो चुकी बन चुकी है। तो ऊपर देते हैं आप छत में, फिर हम लोग भी खाएंगे। सो फैमिली, ये है पकौड़ी, ये चटनी, दाल एंड सब्जी, और पूरी वहाँ रखी है मैंने, अभी निकाली नहीं अपने। सो आप लोगों को भी खाने था, आ जाओ। सो फैमिली, मैंने आप सभी लोगों का बोला था कि आज मैंने कुछ नया सोचा है, तो मैंने सोचा है लौकी का कुछ बना रही हूँ। बट इतना बता दूँ कि इसकी कोई स्वीट डिश नहीं बन रही है, तो इसका क्या बन रहा है आप लोग गैस करो। और आप लोग को मैं दिखा दूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। सो होप सो आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या बन रहा है। सो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। सो फैमिली, मेरे पास है ये है लौकी, और मेरे पास है कुछ लौंग, 4 से 5 लौंग है मेरे पास। और हमने क्या करना है, सबसे पहले इस लौकी को ऐसे करके, मतलब इस लौंग को इसमें ऐसे डाल देना है, ऐसे करके ऐसे लगा चुकी हैं, आप लोगों को भी ऐसे लगा देना है। और अब इसको हम क्या करेंगे, मेरे पास है ये थोड़ा सा ऑयल, इसको इस ऑयल को मैं इसमें लगा रही हूँ, आप लोग भी सेम ऑयल को इसमें ऐसे लगा देना। अब हमें सबसे पहले गैस को ऑन करना है, एंड उसके बाद हम मेरे पास ये है, ये अधिकतर सभी पर होता है, और गैस को कर देंगे हम हल्की इसको रखते ही, और इसमें रखेंगे हम हमारी लौकी को। तो आप जैसे जैसे मैंने लौकी को इसमें रखा है, वैसे ही इस लौकी को भी आप लोगों ने भी अपने लौकी को ऐसे ही रखना है। और अगर ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही बड़ी है तो हम इसको 3 भागों में बांट भी सकते हैं, और मैंने फ़िलहाल ऐसे ही रख रखा है क्योंकि ये हो जाएगी आराम से। सो जैसे हम बैगन को ऐसे गोल गोल घुमाते रहते हैं चारों तरफ से, वैसे ही हमें इसको भी घुमाना है। सो फैमिली, यहाँ देखो आधे ज़्यादा ही हो चुका है ब्लैक, और ये भी पूरी होनी है। मैंने बीच में से आधी काट दी, आधी वहाँ पर रखी है, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी और ज़्यादा ज़्यादा लोड ले रहा था गैस। सो वैसे मैंने आधी आधी में काट दिया, और अभी देखो ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी। सो फैमिली, यहाँ देखो ये अच्छे से मैंने कर चुका है, आप देख सकते हो, ये देखो ये बहुत अच्छे से पूरा ब्लैक हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक थाली को, कोई भी थाली को इसके ऊपर से रख देना, और ये ऐसे ढक के रख देना इसको, ताकि इसमें एयर ना जाए। और ये इसलिए क्योंकि इसमें अंदर से भाप बनेगी, भाप बनेगी तो इसका जो छिलका है वो ईजिली निकल जाएगा। सो इसको 5-10 मिनट तक ऐसे रखें, तब तक हमारी वो दूसरी वाली लौकी का जो पार्ट बचा है उसको हो रहा है, उसके बाद हम इसको देखें। थोड़े से लहसुन छील दिए हैं, अदरक, एक नींबू, 2 टमाटर और 2 प्याज और थोड़ी सी मिर्च, हरी मिर्च। सो फैमिली, यहाँ देखो ये वाली भी हो चुकी है, और इस वाले को भी हम इसमें रखेंगे, ढक के रख देंगे दोनों को, एक साथ ही रख देंगे। वैसे ये वाली तो बहुत ज़्यादा स्पंज हो चुकी है, बट थोड़ी देर इसको भी रखेंगे और इसको भी दोनों को रख देते हैं एक साथ, तब तक हम। सो फैमिली, सबसे पहले हम प्याज को कट करेंगे, और तब तक हमने उसको भाप करने के लिए दिया ताकि अच्छे से वो हो जाए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज कट चुका है बहुत ही ज़्यादा बारीक, क्योंकि हमारा टमाटर कट चुका है, हरी मिर्च कट चुकी है, और लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बना चुका है, और लास्ट में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च, एक दो हरी मिर्च काट रखी है थोड़ी सी, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, और एक नींबू, ये लास्ट में गार्निशिंग के लिए। सो अब हम लोग उसको ओपन करते हैं, इसको रख देते हैं साइड में क्योंकि इसका काम हो चुका है फिनिश। सो अब है मेन इसका वर्क, इसको हम देख लेते हैं कैसा हो रखा है। और सबसे पहले हम इसका ये साइड और लास्ट वाला पार्ट को हटाएंगे, और मैं आप लोग को चीज़ बता दूँ, ये देखो ये इतनी स्पंज हो चुकी है क्योंकि ये अच्छे से उस टाइम पर हो चुकी थी। सो अब हमें इसका जो छिलका है वो हटाना है, और ये इजीली हट जाएगा, आप देख सकते हो। सो आप देख सकते हो, ये देखो कितना स्पंज हो चुका है, ये पूरा अच्छे से पक रखा है अंदर से, आप देख सकते हो, ये मैंने छील चुका है पूरा आराम से, ईजिली छील भी गया था। सो इसको हम सबसे पहले ऐसे 3 भागों में काटेंगे, एंड उसके बाद इसको काट। सो फैमिली, देखो ये भी अच्छे से पूरा कट चुका है, अब देखो ऐसे बारीक काटने, और सब कुछ हमारा रेडी है। अब हम इसको बनाते हैं,
और आप लोग को दिखाते हैं। हमने रख चुका है तेल कढ़ाई में, अभी गर्म हो चुका है। सरसों का तेल डाला है मैंने 2-3 चम्मच, 3 चम्मच आप लाल डालना, उसके बाद हींग डालेंगे सबसे पहले हम इसमें। तो मैंने सबसे पहले हींग डाली है, हींग, तो हींग डालने के बाद हींग हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। फैमिली अब प्याज डाल देंगे क्योंकि जीरा हमारा हो चुका है। प्याज हमने डाल दिया है एंड उसके बाद हम इसको पूरा अच्छे से मिक्सअप करेंगे। फैमिली हल्का हल्का प्याज हो चुका है, ज़्यादा प्याज को नहीं करना है। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे हमारी कश्मीरी मिर्च। तो कश्मीरी मिर्च को अपने हिसाब से डाल लेना जितना आपको रेड चाहिए, या फिर इसमें कलर के लिए होती है मेनली। तो हमने कश्मीरी मिर्च डाल दी थी। और उसके बाद डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी हमारी लाल मिर्च। फैमिली हमने डाल चुका है इसमें टमाटर, क्योंकि हमारा जो प्याज वगैरह है और जो मसाले हम डालते हैं वो अच्छे से हो चुके हैं। अब इसमें डालें लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बनाया था, आप लोग भी ऐसे ऊपर से डालना और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्सअप करना। अब हम इसमें डालेंगे नमक ताकि अच्छे से हमारा टमाटर गल जाए, एंड नमक डालने के बाद इसमें हम इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दें उसमें एंड इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे किचन किंग, जो कि हम MDH का यूज़ करती हूँ मैं, तो उसको डालेंगे, अच्छा बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको भी मिक्सअप कर लेते हैं। एंड एट लास्ट अब हम इसमें डालेंगे नींबू। नींबू इसलिए डालने ताकि मसाले को जो ऊपर नीचे मसाला हो उसको अच्छे से सेटअप कर ले। मान लो अगर नमक ज़्यादा है तो उसको अच्छे से सेटअप कर लेगा वो। एंड उसके बाद अब ये हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम लौकी जो हमने अच्छे से बारीक काट रखी है। तो लौकी हमेशा बारीक काटना, कोशिश करना है कि और बारीक हो जाए। बारीक काट के अब इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। देख लो मैंने मीडियम फ्लेम में रख दिया, वो भी 10 मिनट तक इसको ढक के रखेंगे, 10 to 5 मिनट, मतलब 5 to 10 मिनट्स तक ढक के रखेंगे। उसके बाद देख लेना इसको 5 मिनट बाद आप कि हुआ है कि नहीं हुआ है। फैमिली ये बन चुका है, अब इसको हम इसमें सर्व करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फैमिली आगे से ऐसे करना है हमें। आप लोगों को कैसी लग रही है? वाओ वाओ। फैमिली ये तो बन चुका है रेडी, और मैंने कुछ ऐसी गार्निशिंग करी है, आप लोग भी देख सकते हैं। अभी पूरी बन चुकी है हमारा लौकी का भरता। फैमिली लौकी का भरता जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है, और जैसा मैंने बनाया, आप मे भी मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, मैंने फर्स्ट टाइम सुना भी था। आप लोग भी ट्राई करना, टेस्ट अच्छा है। मतलब जैसे सब्जी होती है उस टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, हट के टेस्ट, अच्छा टेस्ट है। आप लोग भी अपने घर में ट्राई करना इसको बनाने की, और आप लोग कैसी लगी मेरी रेसिपी ये बताना। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। बाय बाय।